देश भर के सरकारी बैंक्स के एम्प्लॉयज दो दिन की व्यापक हड़ताल पर हैं और ये इस चीज़ का विरोध है जो अमेंडमेंट की जा रही है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाए। इसके विरोध में तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम जम्मू के शालामार में हैं। यहाँ पर पीएनबी की जो शाखा है, मुख्य शाखा है यहाँ पर, उसके बाद मुख्य यहाँ ब्रांच है, उसके साथ ही ये तमाम और भी कई सारे बैंक्स हैं आसपास के, यहाँ पर सरकारी, उनके एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर इकट्ठा है। इनसे बात करेंगे। पहले भी इस तरह की आप लोग प्रदर्शन करते रहे हैं टाइमली, टाइम टू टाइम पर, लेकिन अब जिस तरह से संसद का ये शीतकालीन सत्र भी चल रहा है तो उसमें बात भी चल रही है कि शायद इसको लेकर बिल जो है वो पास कर दिया जाए। लगता है आप लोगों के इस प्रोटेस्ट से या दो दिन की स्ट्राइक से सरकार पे कोई प्रेशर बनेगा? देखिए, ऐसा है कि आज मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि तकरीबन 10 लाख बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पे है, और ये स्ट्राइक पे इसलिए है कि सिर्फ अपनी बैंक जॉब को बचाने के लिए नहीं है स्ट्राइक पे, ये स्ट्राइक पे इसलिए है बिकॉज ये देश को बचाने की बात है। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, 1969 में जो बैंक की नेशनलाइजेशन हुई थी उससे पहले 768 प्राइवेट बैंक फेल हो चुके थे, तो वो जो प्राइवेट बैंक्स फेल हुए थे तो लोगों का जो डिपॉजिट था, जो हार्ड अर्न मनी था, वो डूबा था। तो नेशनलाइजेशन के पीछे यही कारण था कि जो बैंक्स का एक्सेस है, बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ है, वो सब लोगों तक पहुंचे। और 1969 में जहां पे 8,000 जब हमारी बैंक की शाखाएं हुआ करती थी, आज 1,80,000 है। तो वो उस कारण, चाहे वो छोटा सा मजदूर हो, चाहे वो एक छोटा किसान हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, उन सबको बैंकिंग की फैसिलिटीज़ मिली हैं। चाहे वो KCC कार्ड की बात करें, चाहे वो मुद्रा लोन की बात करें, चाहे हम जनधन खातों की बात करें, जनधन खाते जितने खोल गए उसमें 97% ऑफ द जनधन अकाउंट्स वर ओपन बाई गवर्नमेंट बैंक्स। प्राइवेट बैंक सिर्फ मलाई खाते हैं, प्रॉफिट मेकिंग उनका मेन उद्देश्य है। इसलिए हम स्ट्राइक पे हैं बिकॉज इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बिल पेश करने जा रही है, बैंकिंग अमेंडमेंट्स बिल, उससे बैंकों का निजीकरण उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ये भी हमें पूरा विश्वास है कि अगर ऐसा हुआ तो बैंकों का जो चाबी है वो कुछ कॉरपोरेट फ्रेंड्स को सौंप दी जाएगी। अभी मैं रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूँ, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी इकॉनमी को सपोर्ट करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने टाई अप करवाया अदानी कैपिटल के साथ, यानी कि अब अदानी कैपिटल जो छोटे छोटे मजदूर हैं और छोटे छोटे जो किसान हैं उनको जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए जो बिल जो लोन है वो अदानी कैपिटल देगा, ना कि SBI देगा। ये किस तरह की बैंकिंग है? अदानी कैपिटल की ज़्यादा रीच है, SBI की ज़्यादा रीच है। तो इसलिए आज हम इकट्ठा है और आगे भी ये तो शुरुआत है हमारी, ये जो स्ट्राइक है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये और तेज़ी से बढ़ेगा और हमें सबकी सपोर्ट मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जनता की हित की लड़ाई है। बैंक मर्ज हुए थे, उनकी क्या सिचुएशन है आपकी जानकारी के लिए? तो कुछ बैंक मर्ज होकर एक बैंक बन चुके हैं, तो उनके कर्मियों की बात करें, उसमें दूसरे बैंक्स में डाल दिया गया उनको। सरकार की तरफ से कोशिश की कि किसी की नौकरियां नहीं जाएं, और जो बैंक लॉस में है, कोशिश तो ये है कि जो सरकारी बैंक लॉस में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका लोन जो है वो वापस नहीं आया, उनको दूसरे बैंक से मर्ज करके उनके घाटे कम किया जाए। मैं इस बात पर थोड़ा सा यानी क्लैरिटी देना चाहूँगा कि कोई बैंक प्रॉफिट या लॉस में नहीं है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक इस वक्त प्रॉफिट में है। होता क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एक सबसे बड़ा पैरामीटर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा बड़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आज भी है। हाँ, बीच में आप कह सकते हैं कि बीच में एक दो बैलेंस शीट्स आई थी जहाँ पे कुछ बैंक्स ने लॉस हो गया था, वो किस कारण था? बिकॉज ऑफ NPA की प्रोविजनिंग। NPA किसका? कॉरपोरेट हाउसेज का। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा कॉरपोरेट लोन्स वेव ऑफ किए हैं इस गवर्नमेंट ने, वो कोई छोटे मजदूर के, छोटे बैंक के या किसान के लोन नहीं है, वे ऑफ किए हैं, वो बिग कॉरपोरेट्स के लोन है। तो यही तो सवाल है कि भाई जब बैंक सारे के सारे प्रॉफिट में है तो आवश्यकता कहाँ से उठ गई निजीकरण करने की? लेकिन बाहर से विषय के ऐसे भी बोल रहे हैं ना कि जो कॉरपोरेट्स की आप बात कर रहे हैं वो सरकारी बैंक से लोन तो ले लेते हैं, लेकिन वो कहीं इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि सरकारी बैंकों को अपना लोन चुकाया वो वापस नहीं करते हैं, जैसे कि हमने देखा नीरव मोदी थे वो चले गए, इस तरह के कुछ केसेस हैं और ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो उस वजह से भी सरकार चाहती है कि कुछ इस तरह से एक हो कि बैंक्स का जो अगर लोन देती है वो वापस लिए, वापस आ जाए, वो मरे ना। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का कोई सोल्यूशन थोड़ा है कि अगर बैंक का लोन होगा तो वापस नहीं आएगा। अगर आपने अगर स्ट्रिंजेंट बनाना है कि भाई जो लोग जो कॉर्पोरेट डिफॉल्ट कर रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उनके उनको पे शिकंजा कसा जाए, तो आपको रिकवरी के जो लॉज है उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, आपको बैंक्स को पावर देने की ज़रूरत है। तो इसका प्राइवेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूँगा प्राइवेट बैंक्स की भी, PMC तो एक कॉपरेटिव बैंक था, येस बैंक की बात देख लो, येस बैंक वॉज प्रमोटेड बाई राणा कपूर, ठीक है। अब राणा कपूर ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आके काफ़ी ज़्यादा लोन्स दिए हैं DHFL को, वाधवन ग्रुप को, तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है क्रॉनिक कैपिटलिज्म की। जब बैंक कुछ
चंद कॉर्पोरेट के हाथ में आएंगे तो ऐसा ही होगा। इसी को बचाने के लिए आप लोग जो, तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अभी दो दिन की स्ट्राइक कॉल की आपने भारत बंद की, ये आगे भी बढ़ सकती है आगे जाके? बिल्कुल बढ़ेगी और तेजी से बढ़ेगी। गवर्नमेंट को और हम सब लोगों को ये जान लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैंक्स हैं तो देश की इकोनॉमी है, अगर गवर्नमेंट बैंक्स हैं तो सोशल बैंकिंग है, अगर गवर्नमेंट बैंक्स हैं तो मास बैंकिंग है। कुछ अधिकारियों में इसका भी मतलब साइकोलॉजिकली अंदर उनके दिमाग में चल रहा है कि नौकरी जा सकती है अगर प्राइवेटाइज होता है, क्योंकि अगर बैंक मर्ज होंगे, स्टाफ कम होगा तो कुछ लोगों की जॉब, इस तरह का कुछ है माइंड में कई लोगों के? देखो ऐसा है कि अगर बैंक प्राइवेटाइज होंगे तो सबसे बड़ा लॉस, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, मासिस का सबसे बड़ा लॉस है। हाँ, नौकरियों का भी हो सकता है, क्योंकि नौकरी जैसे यानी जो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट जॉब्स की है या पब्लिक सेक्टर जॉब की है वो तो लाल है। अब जब लाले के हाथ में बैंक आ गए वो तो अपनी मर्जी से हायर एंड फायर करेगा ना, रिजर्वेशन नहीं, बाकी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं जो रहेगा। बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस को मौका मिला या किसी आम आदमी को मौका मिला है कि भाई मैं अपने बलबूते पे अपने दम पर ऑल इंडिया का पेपर क्लियर करके मेरिट में आके मैं गवर्नमेंट में बैंक पीओ बन सकता हूँ, क्लर्क बन सकता हूँ, वो मौका नहीं जाएगा, वो मौका हाथ से जाएगा। साफ तौर पर एक सरकार तक एक संदेश भी देने की कोशिश है तमाम सरकारी बैंक कर्मचारियों की, अगर आप निजीकरण की तरफ जाएंगे तो हम लोग एक साथ मिलकर देशव्यापी जो है बड़ा एक आंदोलन भी चलाएंगे, और उसी की एक झलक है कि दो दिन के भारत बंद तमाम सरकारी बैंक से कर्मचारी जो कर रहे हैं, और ये इसमें यही प्रयासन का जो कि इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, तो उसमें कहीं ना कहीं बिल लाने के अमेंड करने की तैयारी है कि बैंक का जो निजीकरण है या फिर उनको जो टाई अप है उनका मर्जर है वो इजीली हो पाए, उसको प्रोसेस में सरकार ईज करने के लिए बिल पास कर सकती है, लेकिन कर्मचारी इसी के विरोध में जो भारत बंद है आज और कल उनका रहेगा। विजिलेंस पम शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।